बुरारी के जिस घर में 11 लाशें बरामद हुई थी, उस घर के दीवार पर 11 पाइप का क्या कुछ रहस्य है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ठेकेदार कुंवर पाल सिंह जी, जो पिछले साल उसी घर का निर्माण किया था, घर को बनाया था। ये बताइए कि कब आपने घर को रिनोवेशन किया था, और पाइप जो है 11 पाइप लगाने का क्या कुछ रहस्य है? आपको अटपटा नहीं लगता कि एक ही दीवार पर 11 पाइप आखिरकार क्यों लगाई गई? ये मैंने 23/6/2017 को शुरू करा था, और जी 3/10/2017 में ये काम ख़त्म हो गया था। तो करीब करीब सारे 3 महीने आपने काम किया वहाँ, घर को बनाया? 4 महीने काम किया, और अटपटा तो लगा, लेकिन जब बोले मालिक को ये पाइप लगा दो, तो हमने लगा दिए। हवा, उन्होंने कहा हवा आती रहेगी, थोड़ा रोशनी रहेगी, मगर ठीक है जी। एक ही दीवार पर 11 पाइप, वो भी 7 पाइप जो हैं वो मुड़े हुए हैं, तो आपने पूछा नहीं कि जब 11 पाइप जो है एक ही दीवार पर लगाया जा रहा है तो उसका क्यों लगाया जा रहा है, आपने पूछा नहीं? अब ये खाली तरफ थे, हमने तो वो मिस्त्री को बोल दिया जो ये कहें वे कर दो, मिस्त्री को जो उन्होंने देते रहे पाइप या दिया या लगाया, मिस्त्री को बता दिया, वो करते रहे। इस बारे में तो हमें, हाँ ये है कि 11 ना, यूँ नहीं कहा था कि 11 लगाऊँ, कोई उस टाइम अटपटा लगा आपको? हाँ वो तो लगा, वो तो हम तो कह रहे थे प्लेन रखने दो जी, क्या है, या खिड़की लगवाओ, हमें भी दिक्कत आती बार 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 पाइप लगा में 11 पाइप 12 पाइप या 10 पाइप, या तो मगा जी खिड़की लगवा दे, कह रहे दूसरे की तरफ खिड़की नहीं लगाते। झोस फैन भी लगाया जा सकता था उस जगह पे? ना लगाया जा सकता, लेकिन दूसरे के प्लाट की तरफ नहीं लगाते ना, तो इसलिए उन्होंने कहा पाइप लगा दो, किसी को महसूस भी नहीं होगा, एहसास नहीं होगा उनको हमारी तरफ, और हवा भी आती रहेगी, रोशनी भी आती रहेगी, बंद हो जाएगा, जब अपना काम करेंगे बंद कर देंगे। आप पिछले 35 से 25 साल से जो है आप मकान बना रहे हैं, ऐसा कभी वाक्य आपने देखा कि कोई कहे कि इतनी सारी पाइप एक साथ ही लगा दीजिए? नहीं, कोई जाली बनवा ले, कोई पाइप 2-4 लगवा ले, इतने तो नहीं लगवाता, ज़्यादा पाइप नहीं लगवाता, नहीं तो सीधी वेंटिलेशन लगवाएं, खिड़की हो वेंटिलेशन हो। आपने 19 साल पहले भी उसी मकान को बनाया था, शुरुआत आप ही ने की थी इस मकान की? हाँ, उनके पिताजी ने मेरे से बनवाया था वो मकान। तो पिताजी को आप जानते थे अच्छी तरह से? हाँ जी, उनके पिताजी को जानता था मैं। तो पिताजी को आप जानते थे, तो क्या कुछ पिताजी और जो उनके छोटे लड़के हैं जो ललित हैं, क्या जब आपने पिछले साल मकान बनाया था तो क्या ललित ने ही तमाम डिसीजन लिए थे मकान को लेकर, बनाने को लेकर, पैसे वगैरह देने को लेकर? पहले तो उनके पिताजी थे, ललित से हमारा कोई वो नहीं था, ललित तो स्कूल जाता था पढ़ता था, इतनी वो नहीं थी, छोटे बच्चे थे वे, इतने बड़े नहीं थे, स्कूल में जाते थे। तो अब जो है, अब वे गुजर गए, तो अब ललित जी ने सारा बात, ललित नहीं करी, ललित नहीं, ललित के पिता गुजरने के बाद जो है वो ललित ही सब कुछ, ललित ही सब कुछ जिम्मेदारी लेते थे। एक बार इन्होंने अपने भाई को बुलाया, उनको मैं, मेरे भाई आ रहे बड़े, और उनसे डिसाइड कर लो, मंगा जी कर लो, तो कहाँ रहे कहाँ नहीं तो मुझे नहीं पता, तो राजस्थान से बताए थे उन्होंने, तो उनके बड़े भाई आए थे, वे मुझे समझा गए थे, जैसे उन्होंने समझाया मैंने कर दिया। ये भी बता रहे हैं कि लास्ट टाइम जो है कब आपकी ललित से बात हुई थी? आप कुछ बता रहे थे कि आपका पैसा भी बकाया है, जो पिछले साल आपने जो मकान बनाया था उसका पैसा भी बकाया है आपका? नहीं, पहले जो बनाया था पिछले साल वो मेरा क्लियर हो गया था, जो अभी ये 80 गज में बनाया वो 40 गज अलग है, 80 गज अलग है। 80 गज कब बनाया था आपने? ये 80 गज तो अभी चल ही रहा है, इसमें बस 2 पिलर ठा के एक बीच के जहाँ प्लाई लग रही वो रह रहे, दोनों तरफ शटर लग गए, और ये रह रहा है इसमें। अभी भी घर का काम चल रहा था? हाँ, अभी तसले फावड़े हथौड़े छेणी घंटी सब वहीं पड़ी, सब वहीं पड़ी हुई है। तो कब आखिरी समय तक कब आपने काम किया था वहाँ? ये 26/2/6 तक, 2/6 तक काम चल रहे थे, यानी 2 जून पिछले महीने के 2 जून तक आपने काम वहाँ किया था? हाँ, काम किया था। कितने पैसे आपके बाकी थे वहाँ? 1 लाख के करीब हैं, तो मैंने पैसे 30 तारीख को गया था मैं, उन्होंने सब फोन पर बात, 30 तारीख को रात में ही ये जो भी घटना हुई थी वो 30 तारीख को रात में ही हुई थी, तो यानी कि 30 तारीख के शाम को आपकी ललित से बात हुई थी? हाँ, 6 बजे के करीब बात हुई ललित से, तो मैंने कहा जी कुछ पैसे दो, उन्होंने कहा आ जाओ मैं नेहरू गली में हूँ, तो वहाँ मेरी बात हुई, तो मैंने कहा मगा जी शाम को कितने बजे आपको से बात हुई थी? और 6 बजे शाम को। हाँ जी, तो आप गए थे उनके पास? हाँ गया था, वो मार्केट में ही थे, तो उन्होंने वहीं मुझे दुकान पर बुला लिया था, तो मैं वहीं गया था, तो वो बोले डायरी निकाल लो माँ जी लो, जब उन्होंने 4 का लिख के 3-0 लिखी और 4,000 मेरे हाथ कालने लगे, जब मैं माँ जी क्या दे रहे, नो 4,000 मंगाई ना रख लो, 4,000 नहीं लूँगा मैं, तो उन्होंने लिख दिए थे 4,000, मैं 40,000 समझ रहा था,
तो बोले नहीं 40 तो नहीं, मगा 40 दो, उनको 40 तो नहीं, 4 है, मगा जी 4 नहीं लेने का, मैं शादी की 4 से। तो कब देने की बात कही ललित ने? 10 तारीख को बोला था मुझे, तो मुझे कहते ना को तो 10 तारीख आएगी, 10 जुलाई को। हाँ तो 10 को पैसे ले लियो। आप ललित के पिता की बात कर रहे थे कि ललित के पिता के समय भी आपने मकान को बनवाया था, स्टार्ट किया था, क्या आपको लगता है कि ललित के पिता का जिस तरह से व्यवहार था उस वही व्यवहार जो है वो ललित के जैसा था? क्योंकि जो पुलिस की जो जांच है उसमें तंत्र मंत्र का एंगल आ रहा है और यही बताया जा रहा है कि ललित के सपने में उनके पिता आया करते थे। देखो जी ऐसा तो हमने नहीं सुना, वो तो अभी सुन रहे, यानी हम भी एक घंटा बैठ कर बात करी, कभी उन्होंने नहीं बताया कि मेरे पिताजी का मेरे पर वो है, साया है, या जैसे बात कर दें या सपने में दिखे, हमको ऐसी बात कभी नहीं हुई। नहीं, ललित के पिता का जो व्यवहार था वो तो आप जानते हैं, ललित का कैसा था, क्या मिलता था? हाँ मिलता था, ललित का स्वभाव अपने पिताजी से मिलता था, यानी कोई आ गया भूखे आए, हाँ भी बूझ लिया, किसने खाना ना लाया हो तो खाना खा लो, बनवा दिया, दो टाइम चाय के गैल, नाश्ता वास्ता, खूब खुश, मजदूरों को मतलब खुश रखे थे, उसके पिताजी भी ऐसे थे, ये भी ऐसे। क्या लगता है आपको कि ये जो घटना घटी है क्या हुआ होगा? इसको आत्महत्या का एंगल दिल्ली पुलिस बता रही है और तंत्र मंत्र से जोड़कर इसको देख रही है। आप 3.5 महीने तक जो है वहाँ काम किया, पिछले साल भी आपने काम किया और अभी भी 2 जून तक लगातार काम कर रहे थे आप, और 2 जून तक, पिछले महीने के 2 जून तक आपने काम किया है और अभी भी आपका सामान वहीं पड़ा हुआ है, तो क्या देखा आपने घर में जो सदस्यों का जो व्यवहार है, क्या धार्मिक आस्था में विश्वास था उन्हें, क्या तंत्र मंत्र को लेकर वो क्या कुछ किया करते थे, काला जादू का कुछ ऐसा आपने घर में क्या कुछ देखा इन दौरान, इस दौरान? नहीं जी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, और आज की उसमें इतना एक का इतना वो होना, हम तो है प्रहते कि इतने आदमी हो के एक परिवार, बहन भी भांजी भी और ये भी और सब भाई एक जगह इकट्ठे थे, और इतनी प्यार प्रीत थी कि कोई पता है कैवेन थे, एक फैमिली नहीं है, किसी को यो ही नहीं था कि एक ही के समझे थे सब। 19 साल से आप इस परिवार को आप जानते हैं, क्या लगता है कि 19 साल तक आप इस परिवार को जानते थे और एक बैग से ऐसा हो गया, क्या ये जो एंगल बता रही है दिल्ली पुलिस उसमें कितनी सच्चाई दिखती है आपको? देखो जी ये तो सोच में भी नहीं था, हम तो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकते थे इस चीज़ का, क्या होना क्या हुआ, हम तो खुद हैरान हैं, ऐसा कोई हुआ नहीं आज तक जिंदगी में, पहली बार ऐसा सुना है। जिस रात को घटना घटी थी उस दिन, उस शाम को आपको ललित से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या आपको ललित से आप हमेशा मिलते जुलते थे, क्या आपको लगता था कि ललित जो है वो तंत्र मंत्र के चक्कर में रहता था, या अब क्या देखा आपने ललित से अगर बात की तो क्या कुछ लगा आपको? नहीं नहीं वही खुश मिजाज, वही वो बस कहने लगे उनको ठेकेदार जी 10 उनको अभी इतने तो नहीं हो पाएंगे, पेमेंट आएगी 10 तारीख को, आपको पैसे दे देंगे, 40,000 मांग रहे हैं उनको, आपको 40-50 दे देंगे, दो भर में करके दे देंगे। घर में आप काम किया है अपने घर में ऐसा कुछ देखा आपने कि तंत्र मंत्र से जुड़ा या फिर काला जादू ऐसा कुछ आपने दिखा हो? दिखा हमने नहीं देखा कुछ भी, हम ऐसा तो कुछ हम ख्वाब में देखा ही नहीं हमने, वैसे कोई बात ही नहीं, वो अपने काम में लगी रहती, उनको फुर्सत नहीं थी, माँ उनकी पड़ी रहती, बहन उनकी थी और भांजी ड्यूटी जाती, 2-4 बच्चे थे, चारों किताब लेकर पढ़ो जाते कमरों में, ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं, ना कोई वो था, ना कोई आया हमारे सामने, ना कोई गया, ना कोई कीर्तन, ना भजन, कोई वैसे नहीं, बस घर की पूजा करते थे, बाकी किसी को कोई बाहर का आदमी वैसे नहीं, कीर्तन बिठा दें या हवन करा रहे, कुछ नहीं ऐसा। एक घर में कुत्ते की बात आ रही है, आप जब काम करते थे तो क्या उस कुत्ते का क्या कुछ एक्टिविटी रहता था, भौंकता था वगैरह? हाँ कुत्ता भौंकता था, लेकिन उस रात को कुत्ते ने भौंका नहीं, ये आपको अजीब सा नहीं लगता? तो कुत्ता भौंकता था और जब उसको एक बार बोल दिया कि दिख रहा नहीं तो चुप हो जाता, फिर नहीं, उसको प्लाई के अंदर कमरे में बांध देते तो काम करने, हमने कह रखा था भाई इसे बांध के रखो, तो उसको बांध के रखवा देते हम। डर लगता था आपको कुत्ते से? डर तो लगता ही था, वो तो एकदम छाती पर आया था, तो हमने कह दिया था काम अगर करवाना तो इसको बंद रखो। लेकिन उस रात जो है कोई एक्टिविटीज़ जो है आसपास पड़ोस के लोगों ने नहीं देखा? नहीं वो ऐसा नहीं देखा होगा कि जैसे हम भी काम कर रहे थे तो वो प्लाई उलाई से ढक कर रखे थे उसको, तो उसको नज़र ही नहीं कोई आएगा तो कैसे, फिर तो खड़का सुन के ही वो भौंकेगा, उस अगर हम भी जाते काम करो जाते तो माँ जी कहाँ है वो, उनको वो तो ऊपर है,
हम काम कर रहे थे तो वो ऊपर रहता, हम ऊपर काम कर रहे थे तो नीचे रहता, कमरे में बांध कर रखे थे जंजीर में। प्लाई का ये लोग काम करते थे और ये बताया जाता है कि प्लाई से ही ललित के गर्दन पर जो है वो चोट लगी थी और आवाज़ चली गई थी, और आवाज़ जो है एक बैग से आने के बाद धार्मिक आस्था में काफ़ी विश्वास हो गया था इन लोगों को, ऐसा कुछ आपने देखा? नहीं, उस ना मैंने आवाज़ का तो पहली बार कल से सुन रहा हूँ मैं कि आवाज़ चली गई थी, यही बता रहे, अन्य आवाज़ का तो मुझे आज तक पता ही नहीं, ना किसी ने बताया हमें आवाज़ के बारे में। एक इनके पास वो रहता पासवान, उसको पता हो तो पता हो, क्योंकि ललित के पिता से लेकर ललित तक आप को आप जानते थे, तमाम डिसीजन ललित लेते थे, क्या आपको लगता था कि इस तरह का जो वाक्या है वो एक बैग से परिवार कर लेगा, ऐसा आपको लगता? कभी नहीं लगता था जी। और ऐसा मकान बनाया ठोस करके, तो कौन मरने के लिए बनाएगा ऐसा मकान? अगर उसको मरना ही है तो क्यों इतना पैसा लगाएगा, ये भी सवाल उठता है। हाँ जी, जाहिर सी बात है, कुंवर पाल सिंह हैं ठेकेदार, जो पिछले साल जो है उन्होंने शुरू किया था इस मकान को बनाने को लेकर, जहां 11 लाशें मिली हैं और अभी भी काम जारी है। इनका जितना भी सामान है वो वहीं उसी घर पर फिलहाल मौजूद है। जाहिर सी बात है जो 11 पाइप का जो एंगल है फिलहाल वो रहस्य ही बना हुआ है, और कुंवर पाल का कहना है कि अटपटा उन्हें लगा था जब 11 पाइप उन्होंने लगाया था तो अटपटा लगा था, लेकिन फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और 11 पाइप का जो रहस्य है फिलहाल बना हुआ है। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।